हाँ बच्चों, हिंदी में आपने समझ लिया, टेस्ट देना है। अब आते हैं साइंस पर, तो इसमें हम एक्सरसाइज वर्क करेंगे। तो इसमें अभी मैंने कल आपको हैबिटेट्स बताए थे, यानी कि जानवरों के रहने का स्थान। उसमें कुछ रह गए थे, वो मैं आपको समझाती हूँ। डोमेस्टिक एनिमल्स हैबिटेट, जो घरेलू जानवर होते हैं उनके रहने के स्थान। फॉर अवर डोमेस्टिक एनिमल्स वी मेक डिफरेंट काइंड ऑफ होम्स। हमारे घरेलू जानवरों के लिए हम कई प्रकार के घर बनाते हैं। सम ऑफ दीज आर, उनमें से कुछ हैं। काउ लिव इन शेड, काउ किस में रहती है? शेड में। नंबर टू, हॉर्सेज लिव इन ए अस्तबल, हॉर्स किस में रहते हैं? अस्तबल में। नंबर थ्री, पिग्स लिव इन स्टाई, पिग का होम कौन सा होता है? स्टाई। तो ये बहुत ईजी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो एक्सरसाइज वर्क में टिक द करेक्ट आंसर। नंबर वन, वेन डज ए काउ लिव, वेयर डज ए काउ लिव, एक काउ किस में रहती है, कहाँ रहती है? नंबर वन शेड, नंबर टू डैन, नंबर थ्री स्टाई। तो इसमें आपको टिक किस पे लगाना है? शेड पर। नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्कवेंजर, इनमें से स्कवेंजर कौन सा जंतु है? जैसे नंबर वन बियर, नंबर टू वल्चर, नंबर थ्री क्रोकोडाइल। तो आपको मैंने समझाया था, स्कवेंजर कहते हैं जो डेड एनिमल्स को खाते हैं। तो इनमें से वल्चर स्कवेंजर है। तो उसके आगे चलते हैं, सेक्शन नंबर वन। ओरल क्वेश्चंस हैं ये, ओरल ही टेस्ट आपको आंसर देना है। तो समझ लो वो क्या है। वेयर आर हॉर्सेस केप्ट, हॉर्सेस को कहाँ रखा जाता है? तो आपको बोलना है अस्तबल। नंबर टू, इज ए लॉइन एन एक्वेटिक एनिमल, क्या एक लॉइन एक्वेटिक एनिमल है? तो आपको बोलना है नो, लॉइन इज नॉट एन एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल आपको ध्यान होगा कि जलीय जंतुओं को कहते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, लेकिन लॉइन तो वाटर में नहीं रहता, तो इसलिए वो एक्वेटिक नहीं है। नंबर थ्री, हु हैज़ द शार्पेस्ट मेमोरी एमोंग एनिमल्स, सभी जानवरों में सबसे ज़्यादा शार्प मेमोरी किसकी होती है? स्मरण शक्ति सबसे ज़्यादा तेज किसकी होती है? तो इसमें इसका आंसर है एलिफेंट। अब नंबर बी, सर्कल था ऑड वन, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनमें जो ऑड है उसको सर्कल करना है। नंबर वन, डॉग कैट हॉर्स गॉट लॉइन। अब डॉग कैट हॉर्स गॉट ये क्या हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स, लेकिन इनमें लॉइन है वो वाइल्ड एनिमल है, तो इसलिए लॉइन को सर्कल करना है। नंबर टू, एलिफेंट जिराफ स्नेक शीप जैकल, तो इसमें एलिफेंट जिराफ स्नेक और जैकल ये सभी वाइल्ड एनिमल्स हैं, और शीप क्या है? डोमेस्टिक एनिमल, तो शीप को सर्कल करना है। नंबर थ्री, ऑक्टोपस डॉल्फिन हैन स्टारफिश सी हॉर्स, तो इनमें ऑक्टोपस डॉल्फिन स्टारफिश और सी हॉर्स ये सभी कैसे एनिमल्स हैं? एक्वेटिक एनिमल्स, और इनमें जो हैन है वो एक वर्ड है, तो इसमें जो हैन है उसको सर्कल करना है। आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय।